नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, किस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन सी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 18 जनवरी को, 12 जनवरी को, 24 जनवरी को, या 21 जनवरी को। इसका सही जवाब है 24 जनवरी को मनाया गया था। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चार, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 101, या 172वीं, या 125वीं, या 122वीं। तो इसका सही जवाब है 125वीं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को, 21 जनवरी को, 18 जनवरी को, या 13 जनवरी को। तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है? जोधपुर में, लखनऊ में, पुरी में, या पटना में। तो इसका सही जवाब है लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? कमलंगी, या एजहुपुन, या धमराकुलम, या मजमपुरा। तो इसका सही जवाब है कुमलंगी। क्वेश्चन नंबर आठ, जनवरी 2022 में क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए किसे नाइटहुड प्रदान किया गया? तो क्लाइव लॉयड, रॉस टेलर, माइकल क्लार्क, या अजहर अली। तो इसका सही जवाब है लॉयड, क्लाइव लॉयड को। निम्नलिखित में से किसे अब वाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड कहा जाएगा? एक्सिस म्यूचुअल फंड को, या यस म्यूचुअल फंड को, या HDFC म्यूचुअल फंड को, या SBI म्यूचुअल फंड को। तो इसका सही जवाब है यस म्यूचुअल फंड को। क्वेश्चन नंबर 10, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए किस राज्य ने इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो मिया अमोर मोडली, या पाउला मई बीक्से, या लुइस एविनेडेटर, या विलियम ब्लैक। तो इसका सही जवाब है मिया अमोर मोटली। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर के अकेले उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो जारा सैमुअल्स, हरप्रीत चांडी, या वेलेंटाइन एलॉय, या जारा रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब है जारा रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में यूनिवर्सल एक्सटेंस एस्पियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजीव जैन, पीयूष पतंजलि, या विजय शेखर शर्मा, या हरप्रीत सिंह। तो इसका सही जवाब है विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेन के सेंटरिनो डे ला फोंसे गार्सिया का निधन हो गया है, यह कितने वर्ष के थे? तो 102 साल के, या 112 साल के, या 122 साल के, या 132 साल के। तो वह 112 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 15, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 21 जनवरी, 18 जनवरी, या 23 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैंने आवाज़